स्वागत है डायल 100 में। हम एक बार फिर आ गए हैं किसी और आपराधिक घटनाओं के साथ। क्या कोई भाई अपनी बहन की हत्या कर सकता है? उस बहन की जिसे उसने बड़े अरमानों के साथ 4 महीने पहले शादी कर विदा किया था। उस बहन की जो कभी उसके कलाई में राखी बांधा करती थी। पर यह अक्षर सा सच है। यह घटना है नौबतपुर के फरीदपुरा गांव की, जहां एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। मिटका का कसूर सिर्फ इतना था कि वो शादी के पहले किसी से प्रेम करती थी। और शादी के बाद भी उस लड़के के प्रेम में पागल थी। घर वालों के मना करने के बाद भी उसने उस लड़के से मिलना जुलना कम नहीं किया, जो उसके घर वालों को खटकता था, उसके भाई को खटकता था, और वही उसके मौत का कारण बना। प्राप्त सूचना के अनुसार घटना के 3 दिन पूर्व मृतका खगौल के गोविंदपुर गांव में अपने प्रेमी के यहां चली गई थी। जब उसके भाई को पता चला तो वो उसके प्रेमी के घर पहुंच गया और अपनी बहन को अपने घर ले आया। अपने घर लाकर उसके भाई ने उसे गोली मार दी। परिवार के साथ फरार हो गया। इस घटना से पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। नवतपुर थाना क्षेत्र का फरीदापुर गांव एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। ये तब हुआ जब सवेरे सवेरे एक भाई ने अपनी सकी बहन की हत्या कर दी। मृतका पे इल्जाम लगाया गया कि उसका चरित्र अच्छा नहीं था। शादी से पहले किसी से प्रेम करती थी और शादी के बाद भी उसी लड़के से प्रेम करती थी। परिजनों के मना करने के बाद भी वह उस लड़के से मिलना जुलना नहीं छोड़ी और यही उसके मौत का कारण बन गया। अगस्त महीने में राजधानी और राजधानी के आसपास घटी इन घटनाओं ने पटना पुलिस के लिए चुनौती देने का काम किया है। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस को कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। पटना पुलिस को इन घटनाओं के पीछे छिपे रहस्यों को उद्घाटित करने में कितनी सफलता मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एक बात कहा जा सकता है कि प्रदेश में अपराध एक बार फिर अपना फन उठा रहा है। इस फन को पुलिस कुचलने में कितनी सफल होगी, कितनी असफल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से गौतम गौर की रिपोर्ट। अब जो कानून का बात तो भी नहीं पता चल रहा है, गांव वाले कोई कारण नहीं बताया। ऐसा लग रहा था कि सबके जुबाने सिल गई है। जब हमारे पत्रकार ने कोशिश की तब गांव का एक आदमी कुछ कहा, लेकिन वो भी अस्पष्ट नहीं बता सका। घटना स्थल के समय तो मतलब जिस समय घटना घटी उस समय तो मैंने यहाँ नहीं था, लेकिन आए तो सुना कि भाई ने यहाँ से गोली मार दी। अच्छा, क्या कारण क्या था? कारण क्या, पारिवारिक संबंध क्या था वो तो नहीं बता सकता हूँ।
कितने बजे घटना है? लगभग 10 बजे, 10 के लगभग, 10 बजे। और मैंने कोई कहाँ से लाया था, कैसे गोली मार दिया, क्या कोई बचाने का प्रयास? तो ग्रामीण के अनुसार मतलब सुना कि वो रोड पर से वहाँ से धर के लाया। अच्छा, और फिर लिया गया, मैंने अपने गांव में ही अपने घर के पास गोली मार दिया, कोई बचाया नहीं उसको? और ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वहाँ कौन कौन था। क्या कोई भाई इतना निर्दयी हो सकता है कि वो अपनी सगी बहन की हत्या कर दे? पुलिस अभी भी इस हत्या के कारणों को जानने में जुटी हुई है। अभी इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। डायल 100 में आज इतना ही। महेंद्र सेन अगले एपिसोड में किसी और आपराधिक घटनाओं के साथ फिर आऊंगा। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़।